नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मैं हूं सुनील गोबी। आइए जानते हैं बिहार की ताजा और बड़ी खबरें फटाफट। आज 9 अप्रैल 2020 है। आइए जानते हैं बिहार के साथ देश विदेश की ताजा तरीन खबरों को फटाफट। आज 9 अप्रैल 2020 की सबसे बड़ी और ताजा खबर, देश में लॉकडाउन अवधि बढ़ाने के मिले संकेत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कोरोना संकट को देखते हुए लॉकडाउन को अवधि बढ़ाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हरेक जिंदगी को बचाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने यह बातें संसद में विभिन्न दलों के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक के दौरान कही। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में कहा कि राज्य, जिला प्रशासन और विशेषज्ञों ने संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन का विस्तार सुझाव दिया है। देश एकजुट है, यह लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन हमें भरोसा है कि सफलता जरूर हासिल होगी। वर्तमान स्थिति सामाजिक आपातकाल के समान है, इसके लिए कड़े फैसलों की जरूरत है। जिस तरह द्वितीय विश्व युद्ध के पहले और बाद की स्थितियां थी, वैसे ही कोरोना से पहले और बाद की स्थिति होगी। देश में 5000 से ज्यादा कोरोना से संक्रमित, 149 मरे। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते बीते 24 घंटे में 32 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने इस बात की जानकारी बुधवार को दी। वहीं संक्रमित लोगों की संख्या 5274 पहुंच गई है। मरने वालों का आंकड़ा 149 पर पहुंच गया है। बिहार कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। सीएम, विधान पार्षदों, विधायकों व मंत्रियों के वेतन में 15% की होगी कटौती। कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री समेत बिहार सरकार के सभी मंत्रियों और विधानमंडल के सदस्यों के वेतन का 15% हर माह कटेगा या अगले एक साल तक कटेगा। यह राशि कोरोना उन्मूलन कोष में जमा होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को ही कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार ने दिया सौगात, सूबे में बिजली 10 पैसे यूनिट सस्ती। किसानों को भी 75 के बदले मात्र 65 पैसे यूनिट ही मिलेगी बिजली। सूबे के 1,60,00,000 से अधिक उपभोक्ताओं को होगा लाभ। कोरोना के कहर के बीच बुधवार को बिहार सरकार ने राज्यवासियों को सौगात दी है। सूबे के 1,60,00,000 से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को 10 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। 1 अप्रैल के प्रभाव से सस्ती बिजली मिलेगी। किसानों को 75 के बदले 65 पैसे यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। सरकार लोगों को इस राहत देने के बदले एक वर्ष में 5,494 करोड़ खर्च करेगी। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी है। लॉकडाउन के बाद सूबे में सबसे अंत में खुलेंगे स्कूल। 3 करोड़ बच्चों की सुरक्षा होगी चुनौती। बीईपी ने यूनिसेफ की मदद से बनाई गाइडलाइन। बिहार समेत पूरे देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है, इसके आगे भी जारी रहने के आसार हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर जब स्थिति समान होगी, घरबंदी खत्म होगी, तो स्कूलों की सामान्य दिनचर्या सबसे आखिर में शुरू होगी, क्योंकि न तो केंद्र और न ही राज्य सरकार बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम मोल लेना चाहेगी। जब स्कूल खुलेंगे तब भी इनमें पढ़ने वाले 3.5 करोड़ बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों की दिनचर्या में कई सारी पाबंदियां कायम रहेगी। सामाजिक दूरी बनाकर रखना कम चुनौती भरा टास्क नहीं होगा। बाहर से आए मजदूरों का बनेगा जॉब कार्ड। प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के साधन खोजने और काम देने की दिशा में राज्य सरकार ने शुरू की कवायद। राज्य में बाहर से आए करीब 2,00,000 प्रवासी मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली, मुंबई आदि महानगरों से अपना जमा जमाया काम छोड़कर बिहार लौटने वाले बेरोजगार हुए इन मजदूरों को अब नौकरी के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार ने इनके लिए रोजगार के साधन खोजने और काम देने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। ग्रामीण विकास विभाग ने पहले चरण में इन सभी मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड देने का निर्णय लिया है। खास बात यह है कि सभी मजदूरों का ऑन स्पॉट जॉब कार्ड बनेगा, वह भी बिना किसी परेशानी के। तंबाकू खा इधर उधर थूके तो 6 माह का जेल। बिहार में तंबाकू या गुटखा खाकर इधर उधर या सार्वजनिक स्थलों पर थूकना महंगा पड़ेगा। 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR नई दिल्ली ने इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी की है। उसमें बताया गया है कि पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटखा खाकर यत्र तत्र थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है, अतः सार्वजनिक स्थलों पर इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। बिहार में राज्य सरकार ने पहले से ही पान मसाला, मैग्नीशियम कार्बोनेट, निकोटीन पाए जाने के कारण 15 ब्रांड के पान मसालों के निर्माण, भंडारण एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा है। बिल गेट्स ने बिहार को 15,000 कोरोना जांच किट दिए। किट सिंगापुर, मुंबई, लखनऊ होते हुए बिहार पहुंची।
बिहार में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक व बिल गेट्स की संस्था बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने बिहार को 15,000 कोरोना जांच किट उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य विभाग के सचिव सह राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि फाउंडेशन की ओर से भेजी गई किट मिल चुकी है। एक किट सिंगापुर मुंबई लखनऊ होते हुए बुधवार को बिहार पहुंची। लॉकडाउन में दिव्यांगजन का ख्याल रखेगी अब पुलिस। राज्य आयुक्त निशक्ता दिव्यांगजन डॉक्टर शिवाजी ने बुधवार को सभी डीएम स्वास्थ्य एवं आपदा विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि दिव्यांगजनों की मॉनिटरिंग की जाए। आपदा की घड़ी में सबसे पहले दिव्यांगजनों की सुरक्षा जरूरी है, इसलिए सभी डीएम को यह निर्देश दिया गया है कि वह जिलों में हेल्पलाइन नंबर शुरू करें। लॉकडाउन में भी रोजाना चलेगी स्पेशल पार्सल ट्रेन, आम लोगों के लिए आवश्यक सामानों की आपूर्ति होती रहे, इसको लेकर लॉकडाउन में भी मालगाड़ियां चलाई जा रही है। इसके साथ ही छोटे व्यापारियों की परेशानियों को देखते हुए स्पेशल पार्सल ट्रेन चलाई जा रही है। दिल्ली हावड़ा के बाद अब पूर्व मध्य रेल प्रशासन की ओर से मुगल सराय व सहरसा के बीच स्पेशल पार्सल ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे अधिकारी ने बताया कि 9 से 15 अप्रैल के बीच रोजाना स्पेशल पार्सल ट्रेन चलाई जाएगी ताकि छोटे व्यापारियों की सामान ढुलाई में कोई दिक्कत ना हो सके। मुख्यमंत्री ने कोरोना की जंग जीतने वाले 12 लोगों को दी बधाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना के जंग में जीत हासिल करने वाले 12 लोगों में शाह मनोज, राजा कुमार, मोहम्मद मेराज हुसैन, पिंकी कुमारी, भोला शर्मा, सूरज कुमार, रसीदा बेगम, मोहम्मद कैब, विवेक कुमार, टुनटुन कुमार, मोहम्मद अकीब एवं मोहम्मद नासिर को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। सीएम ने कहा कि सरकार की कोशिशों को इनके ठीक होने से बल मिला है। सीएम ने इनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की है। 3 लोग इससे पहले भी ठीक होकर निकल चुके हैं। खबरों में आज बस इतना ही। यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि देश विदेश और बिहार की खबरों से आप रहे अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।